उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक ओर अपनी पुलिस को बेहतर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मित्र पुलिस का तमगा भी देते हुए नजर आते हैं। वहीं कानपुर देहात पुलिस की साख पर एक बार फिर से दाग लग गया है और कानपुर देहात पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी है। दरअसल कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक युवक को 250 ग्राम चरस के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया और पुलिस ने जो FIR न्यायालय के सामने प्रस्तुत करी, उसमें इस बात को दर्शाया गया कि युवक के पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई है और पुलिस ने भारी मशक्कत के साथ खेतों में दौड़ाकर युवक को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे जेल भेजा। लेकिन पकड़े गए युवक के परिवार की तरफ से जारी हुए एक CCTV वीडियो में इस बात की पोल खोल दी है। उस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से डायल 112 की पुलिस ने युवक को अपने ही टेम्पो से निकाल कर उसे टेम्पो स्टैंड से गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गए। दरअसल जिस समय पुलिस ने इस युवक सुल्तान को गिरफ्तार किया था, वो तारीख 9 थी और समय लगभग शाम के 6 बजे था। लेकिन पुलिस ने इस पूरी घटना को 10 तारीख को दिखाया और इस घटना का जो समय था उसे सुबह के 10:30 बजे बताया। CCTV के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। पीड़ित का जो परिवार है वो लगातार पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का जो रवैया है और उसकी जो कार्यशैली है वो अधिकारियों के सामने उजागर हो गई है और इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करते नजर आएंगे। देखने वाली बात यह है कि ऐसे बेगुनाह लोगों को आखिर पुलिस कब तक जेल भेजती रहेगी। कानपुर देहात से विकास धीमान, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।